हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हनुमान जयंती है, आप में से अधिकांश लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है? आज मैं इस वीडियो में सुंदरकांड को सुंदरकांड कहने के तीन कारण आपके सामने स्पष्ट करने जा रही हूँ। पहला कारण, सुंदरकांड की सबसे प्रमुख घटना क्या है? सबसे प्रमुख घटना है हनुमान जी का माँ सीता से मिलना, उनसे भेंट करना। और जब वो भेंट की है तो सीता जी कहाँ पर है? लंका में है। और लंका कहाँ स्थित है? त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। और त्रिकुटा पर्वत क्या है? तीन पर्वतों का समूह, तीन पर्वत है वहां। जो पहला पर्वत है उसका नाम है सुबेल पर्वत, और ये सुबेल पर्वत वो है जिसकी तलहटी में राम और रावण की सेनाओं में आपस में युद्ध हुआ था। इसका जो दूसरा पर्वत है उसे नील पर्वत के नाम से जाना जाता है, और इस नील पर्वत पर लंका के जितने भी राक्षस थे, जितने सेनापति थे, जितने भी महाभट्ट थे, महावीर थे, उन सबके महल इस नील पर्वत पर बने हुए हैं। और जो तीसरा पर्वत है उसका नाम था सुंदर पर्वत, और इसी सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका स्थित थी। हम सब जानते हैं कि रावण ने जब माँ सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका में ले जाके रखा, तो उन्होंने इसी अशोक वाटिका में ही सीता को रखा था, और हनुमान जी ने इसी अशोक वाटिका में जाकर सीता जी से भेंट की, और वहां जाकर उन्होंने राम जी का संदेश देके और सीता जी को ये सुख पहुंचाया कि राम जी शीघ्र ही आपको लेकर यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए इस अध्याय को, रामचरितमानस के इस अध्याय को, रामायण में भी इस अध्याय को सुंदरकांड के नाम से जाना जाता है। क्लियर। दूसरा कारण जो सुंदरकांड को सुंदरकांड कहने का बताया जाता है वो ये है कि हनुमान जी की जो माता जी थी वो हनुमान जी को प्यार से सुंदरा कहकर पुकारा करती थी, और चूंकि सुंदर कांड में हनुमान जी के ही पराक्रम, उनके वाक चातुर्य, उनकी बुद्धि के चातुर्य, उनका साहस, उनकी जो वीरता है, उनका जो सेवक धर्म है, उनकी जो समर्पण की भावना है, उस सबका वर्णन सुंदरकांड में ही है। मतलब सुंदरकांड की जो विषय वस्तु है वो हनुमान जी के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए इस कांड को सुंदरकांड के नाम से जाना जाता है। और तीसरा कारण मैं अपनी अल्प बुद्धि से आपको बता रही हूँ, जो मैं पढ़ने के बाद मैंने जो इसका एक अर्थ निकाला वो ये है, इसे सुंदरकांड कहा जाना चाहिए। क्यों कहा जाना चाहिए इसको सुंदरकांड? क्योंकि इस सुंदरकांड के पढ़ने से हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। ये सुंदरकांड हमें जीवन के मैनेजमेंट सूत्र सिखाती है। ये बताता है सुंदरकांड हमको कि हमें अपने जीवन को यदि सफल बनाना है, सुख में बनाना है, शांति में बनाना है, अपना कर्तव्य को हमें किस तरीके से निभाना है, एक सेवक को किस तरीके से अपने बॉस के सामने समर्पित भाव से चलना है, और किस तरीके से बॉस को अपने सेवक के साथ उसको मोटिवेट करते हुए उसका साथ देना है और उससे काम करवाना है। मतलब बॉस को काम करवाना आना चाहिए, और काम करवाने के लिए बहुत जरूरी है कि खुद में योग्यता हो, और साथ ही मोटिवेट के साथ वो अपने कर्मचारियों से काम करने की उसमें योग्यता हो, कुव्वत हो। और दूसरी बात जो मैं इसमें देखती हूँ, ये देखती हूँ कि हनुमान जी से जो एक सीख जबरदस्त इसमें मिली है वो ये है कि हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वो अपनी खुद की शक्ति से संचालित हो रहे हैं, उन्हें कोई दूसरी या बाहर की शक्ति संचालित नहीं कर रही है। आप देखिए जितने भी देवता सबके पास अपनी अपनी शक्ति है ना। जैसे मान लो आप विष्णु जी की बात करें तो विष्णु जी की शक्ति लक्ष्मी जी उनके साथ है, आप शंकर जी की बात करें तो उनकी शक्ति पार्वती उनके साथ है, ब्रह्मा जी की बात करें तो उनकी शक्ति सरस्वती उनके पास साथ है, लेकिन हनुमान जी के पास अपनी ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई अलग, उनके पास खुद की शक्ति है, उनकी अपने अंतरात्मा की शक्ति है, और वो उसी शक्ति से संचालित होते हैं, और वो सारी शक्ति हम सबके अंदर भी है, जिसे हम आत्मबल कहते हैं, जिसे हम अपने अंतरात्मा की ताकत कहते हैं, जिसे हम अपना जुनून कहते हैं, जिसे हम अपना विल पावर कहते हैं, उस विल पावर से, उस जुनून से यदि हम अपने कर्तव्य में लग जाएं तो क्या कारण है कि हमारा जीवन सुंदर नहीं बनेगा। इसलिए मैं इस सुंदरकांड को सुंदरकांड के नाम से जानती हूँ। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज आप अपने संगी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के वीडियो बताती रहूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हनुमान।